कर्नाटक में सरकार बनने के एक हफ्ते बाद 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कर्नाटक सरकार में 24 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित 10 मंत्रियों को 20 मई को शपथ दिलाई गई थी, जबकि 24 अन्य विधायकों को आज मंत्रिमंडल में शपथ किया गया है। वरिष्ठ विधायक एचके पाटिल, कृष्ण बारगोड़ा, एन चेलुवराय स्वामी के, वेंकटेश, डॉक्टर एच सी महादेवप्पा, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडरे और प्रदेश कार्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुड्डू राव उन विधायकों में शामिल है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार लक्ष्मी हेबलकर, मंदु बरसका, डी सुधाकर चेलुराय स्वामी, मंकुल वेद और एम सी सुधाकर को शिवकुमार की करीबी माना जाता है। सिद्धरमैया और शिवकुमार पिछले 3 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में थे और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर पार्टी नेतृत्व से कई दौर की चर्चा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला सहित शीर्ष केंद्रीय नेताओं के साथ सिद्धरमैया और शिवकुमार की घंटों लंबी बातचीत के बाद मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं और पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने मंत्रियों की सूची पर अंतिम मुहर लगाई। इसमें दक्षिणी राज्य के जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की गई है। कर्नाटक में मंत्रियों को अब तक विभाग का आवंटन नहीं किया गया है। हालांकि मंत्री के एच मुनियप्पा ने कहा है कि मंत्रियों को विभागों की घोषणा शनिवार शाम तक की जा सकती है।